प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एजहब बानसर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में। देखो, हम समझते हैं कि जो भौतिक राशियां जो होती हैं वो दिशा के आधार पे मुख्य रूप से वैसे तीन प्रकार की होती हैं। तो हम एक इनका डायग्राम बनाए, जैसे कि ये जो भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां, ये अगर हम दिशा की बात करें तो मुख्य रूप से तो होती है दो प्रकार की, और इनका एक प्रकार और भी है। जैसे इस तरह मान लीजिए, जैसे मेरा पैलन का प्रकार हो गया अदिश राशियां, अदिश राशियां, और दूसरा इनका हो गया सदिश राशियां, और तीसरा इनका हो गया परदिश राशियां, परदिश राशियां, परदिश राशियां। तो इनकी परिभाषा की बात करें, अदिश राशि इनके नाम की जो इनकी परिभाषा है वो नाम से ही स्पष्ट है। देखो कैसे है, अदिश मतलब ए प्लस दिश, यानी दिशा रहित, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको अदिश राशियां कहा जाता है। यानी ए प्लस दिश, यानी दिशा रहित, जिनको दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको अदिश राशियां कहा जाता है। ये जो राशियां होती हैं, ये सामान्य बीज गणितीय नियमों का पालन करती हैं, और इनके एग्जाम्पल की हम बात करें, से माना द्रव्यमान है, द्रव्यमान हो गया समय, चाल, दूरी आदि, बहुत सारी राशियां हैं। यानी कार्य हो गए, जैसे कार्य है, कार्य अदिश राशि, ये बहुत सारी अदिश राशियां हैं जिनकी कोई दिशा नहीं होती है। यानी इनको इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण इनका होता है, मात्र भी होता है, पर इनकी कोई दिशा निश्चित को दिशा नहीं होती है, या इनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये अदिश राशियां कहलाती हैं। अगर हम सदिश की बात करें, देखो तो इनकी परिभाषा होगी, सदिश का मतलब है से प्लस दिश, मतलब दिशा सहित ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियां कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे बल हो गया, जैसे बल कोमा विस्थापन कोमा वेग कोमा त्वरण कोमा संवेग संवेग आदि, तो ये होती हैं सदिश राशियां। और बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता भी होती है, तो उनको सदिश राशियां कहा जाता है। अब ये जो राशियां हैं सदिश, ये भी इनके भी दो प्रकार हैं। अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती है। तो जैसे इनका पहला प्रकार आता है ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश, और इनका सेकंड प्रकार आता है अक्षीय सदिश। इनके भी दो प्रकार हैं, अक्षीय सदिश। देखो ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं, कि ऐसे सदिश जिनकी दिशा कण की गति की दिशा में होती है, उनको ध्रुवीय सदिश कहा जाता है। जैसे अपने ऐसे मान लें, मान लो कण है, मान लो कण यहां है और माने यहां से इधर गति करता विस्थापित हो गया, या माना इधर वो बल की दिशा में गति कर रहा है। जैसे बल हो गया बल कोमा विस्थापन, ये ध्रुवीय सदिश होते हैं, क्योंकि इन दिशा कैसे होती है,
जिस दिन हमारा कण गति कर रहा है उस कण की दिशा में ही इनकी दिशा होती है, तो इनको ध्रुवीय सदिश के नाम से जाना जाता है। इनका आगे एग्जाम्पल है अक्षीय सदिश, इनका नाम है अक्षीय। ऐसे सदिश जिनकी दिशा किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होती है उन्हें अक्षीय सदिश कहा जाता है, जैसे जड़त्व आघूर्ण है, उन दिशा होती है या तो वामावर्त होगी या दक्षिणावर्त होगी, यानी अक्ष अकॉर्डिंग होगी, यानी जो सदिश अपनी धुरी पर घूमता है उस दिशा में जो दिशा होती है जिन सदिशों की, उनको अक्षीय सदिश कहा जाता है। कोई एग्जाम्पल आता है जड़त्व आघूर्ण जैसे। तो ये थी आदिश और सदिश, हमने एग्जाम्पल की बात कर ली। अब तीसरा आता है प्रदिश राशियां। प्रदिश ये ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनकी स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है, इनकी दिशा, इनकी जो परिमाण होता है परिमाण भी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, दिशा इनकी भिन्न भिन्न होती है, तो इन्हें हम कहते हैं प्रदिश राशियां। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एक राशि ऐसी होती है जिसकी दिशा भी होती है उसका परिमाण भी होता है फिर भी वह अदिश होती है, जैसे विद्युत धारा। ध्यान दें, अपवाद है, क्योंकि विद्युत धारा जो है इसकी दिशा भी होती है, ये बहती है प्लस से माइनस की ओर, और इसका मात्रक भी होता है एम्पियर एसआई प्रणाली के अंदर, फिर भी यह एक अदिश राशि मानी जाती है। क्योंकि क्योंकि ये एक ऐसी राशि है कि इसमें दिशा और इसका परिमाण होने के कारण भी ये अदिश राशि मानी जाती है। क्योंकि इसका रीजन ये है, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है, यानी ये जो राशि है ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, और यह सदिशों के नियमों का पालन नहीं करने के कारण ही यह अदिश राशि के रूप में इसको सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमारे थी भौतिक राशियां और उनके प्रकार, उनके एग्जाम्पल, उनकी परिभाषाएं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।